भगवान शिव के अति प्रिय मास श्रावण में धार्मिक नगरी उज्जैन शिवमय हो गया है। एक और विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मंगलनाथ मार्ग स्थित मौन तीर्थ पर सैकड़ों श्रद्धालु हजारों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। मंगलनाथ मार्ग पर गंगा घाट स्थित श्री मौन तीर्थ पीठ में श्रावण महोत्सव भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। अनेक शिव भक्तों द्वारा गुरुदेव महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर सुमनानंद गिरी महाराज की प्रेरणा और सानिध्य में 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। श्रावण मास के 2 दिनों में ही धर्मालुजनों ने हजारों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर दिया है। इसके साथ ही मौन तीर्थ में विराजित भगवान गंगाधर सदाशिव का नित्य रुद्राभिषेक एवं लघु रुद्राभिषेक भी किया जा रहा है। मौन तीर्थ पर प्रत्येक श्रावण सोमवार और प्रदोष पर विशिष्ट पूजन अनुष्ठान होंगे। इच्छुक धर्मालुजन अनुष्ठान में सम्मिलित भी हो सकते हैं। मौन तीर्थ पीठ में नित्य सुबह 108 वर्षीय अखंड महायज्ञ में अनेक श्रद्धालुजन आहुतियां प्रदान कर रहे हैं। ये यज्ञ 73 वर्षों से प्रज्वलित दुर्लभ त्रिगुजी नारायण अग्नि से हो रही है। इस यज्ञ में श्रावण माह में आहुतियां देने का महत्व अधिक है, क्योंकि इसमें महामृत्युंजय महामंत्र से आहुतियां प्रदान की जाती हैं। इस कारण देश के कई स्थानों से श्रद्धालुजन इस विशिष्ट महामृत्युंजय यज्ञ में आहुतियां दे रहे हैं। इस बार 19 साल के अनंतर अधिक मास के कारण 2 माह के श्रावण का संयोग बना है। ये मास शिव भक्ति और शिव आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौन तीर्थ पीठ में 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भक्तों द्वारा श्रावण मास आरंभ होने के साथ ही किया गया। अपने हाथों से शिवलिंग बनाने से अनेक जन्मों के पापों का क्षय होता है और पुण्य प्राप्त होता है। महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर सुमनानंद गिरी महाराज ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद के साथ कहा कि पार्थिव शिवलिंग बनाने में हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं, श्रद्धालुओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।